अगर आपको मेरी तरह एनीमे देखना पसंद है और आप इंडिया में रहते हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए एकदम लास्ट तक। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम इंडियन कार्टून और जैपनीज एनीमे के बीच फ़र्क जानेंगे और यह भी जानेंगे कि कौन सा एनिमेशन बेहतर है और दोनों में अंतर क्या है। तो फिर बिना किसी देरी के दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो भैया दरअसल मुझे एनिमेशन और कार्टून शुरुआत से देखना पसंद था, तो एक दिन हमारे चैनल पर कमेंट आया एनिमे इज बेस्ट, एकदम इंडियन कार्टून एकदम हलवा है। तो भैया मैं क्या हूँ, ये एनीमे क्या चीज़ है? क्योंकि बचपन से जो हम कार्टून और एनिमेशन देखते हुए आ रहे हैं उसको तो हमने कार्टून ही बोला है। तो भैया मैं क्या हूँ, ये एनीमे क्या चीज़ है यार? तो फिर मैंने गूगल बाबा से पूछा कि ये एनीमे क्या बला है। तो फिर मुझे पता चला कि जो एनिमेशन जापान में बनाए जाते हैं उन्हें एनीमे कहा जाता है और जो एनिमेशन इंडिया में बनाए जाते हैं उन्हें कार्टून कहते हैं। तो चलो अब पॉइंट पर आते हैं और ये जानते हैं कि कौन सा एनिमेशन ज़्यादा बेहतर है। देखो दोस्त, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडियन एनिमेशन जैपनीज एनिमेशन के सामने कहीं नहीं ठहरता। क्यों भाई? क्योंकि जैपनीज एनिमेशन में धाकड़ स्टोरी होती है। जैसे आपने ड्रैगन बॉल्स, डेड नोट, शिनचैन, डोरेमोन, कितरिसू जैसे एनिमे देख रखे हैं तो आपको पता होगा कि कितनी सॉलिड स्टोरी लाइन होती है यार जैपनीज एनिमेशन में। और वहीं इंडियन एनिमेशन को देख लो यार, लड्डू खाने से ताकत, समोसा खाने से ताकत, सेब, संतरे, दूध, दही खाने से ताकत। मतलब जब राइटर प्रोड्यूसर के पास जाता होगा, स्टोरी तो अच्छी है पर एक मिनट, तुमने इसको लड्डू क्यों नहीं खिलाए? और एक तो इंडियन एनिमेशन को ढंग के नाम भी रखने नहीं आते हैं, नाम मोटू, पतलू, कालिया, चुटकी, जो एनिमेशन के नाम पर पता नहीं कौन सा एजेंडा चला रहे हैं कि बच्चों को सिखाने का कि मोटे को मोटा बोलो, पतले को पतला बोलो। क्या आपको नहीं लगता जैपनीज एनिमे एनिमेशन से इतना ज़्यादा कमाता है जितना हमारा बॉलीवुड भी नहीं कमाता? इनफैक्ट वो हर एनिमे को बनाते वक्त यही सोचते हैं। पैसा ही पैसा होगा। अबे साले ज़्यादा जापान जापान मत कर, भागे से। रुको भाई, दिक्कत कहाँ है? ऐसा नहीं है हमारी एनिमेशन इंडस्ट्री में टैलेंट नहीं है, बल्कि हमारा इंडियन एनिमेशन बहुत देशों के एनिमे से बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कुछ दिक्कतों के कारण हमें ऐसा एनिमेशन देखने को मिल रहा है और हमारे इंडियन एनिमेशन को टैलेंट हमें दिख नहीं पा रहा है। तो देखते हैं वो कौन सी सबसे बड़ी दिक्कतें हैं जिसके कारण हमारा इंडियन एनिमेशन इतना ज़्यादा नीचे है जैपनीज एनिमेशन के कंपेयर में। लो बजट, हमारे इंडियन एनिमेशन की सबसे बड़ी परेशानी है लो बजट होना, यानी बजट का कम होना। भाई सीधी सी बात है, अगर प्रोडक्शन हाउसेस को मूवीज़ पर ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो भैया वो एनिमेशन जैसे एक्सपेंसिव वर्क पर काम क्यों करेंगे? या तो वो एनिमेशन पर काम करें कि जब एनिमेशन की पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो, लेकिन ज़्यादा पैसा लगा के अगर आपको कम पैसा मिल रहा है तो प्रोडक्शन हाउस उस पर पैसा वेस्ट क्यों करेंगे? दूसरा सबसे बड़ा कारण है सेंसरशिप। अगर इंडिया में कोई कार्टून एनिमे का लेवल का बन भी गया तो भैया उसे पास कौन करेगा? हमारा सेंसरशिप बोर्ड को एनिमे और कार्टून्स के बीच फ़र्क ही नहीं पता है। हमारा सेंसरशिप को तो यही लगता है भैया कार्टून हो या एनिमे, देखेंगे तो बच्चे यार। पर इन्हें कौन समझाए, कार्टून को 15 साल के बच्चे तक देख सकते हैं और एनिमे को 17 से 25 साल के बच्चे तक देख सकते हैं। और एक यही कारण है हमारे इंडिया में नो जैसे एनिमे का बंद होना। दोस्तों शायद आपको भी यह वीडियो बहुत बेकार लगी होगी क्योंकि मैंने यहाँ पे इंडिया की एनिमेशन की रियलिटी को दिखाया है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि कौन सा एनिमेशन ज़्यादा बेहतर है, जैपनीज एनिमेशन या इंडियन एनिमेशन? कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्त आप इस वीडियो को लाइक करो ना करो लेकिन शेयर ज़रूर कर देना जिससे हमारी इंडियन एनिमेशन की रियलिटी आपको पता लग सके।